हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुर्ग मसल्लम की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, आप भी इसे बहुत इजीली बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक खड़ा चिकन, और ये 1.5 केजी का है। तो सबसे पहले हम इसमें नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कट मार्क लगा लेंगे, जिससे कि हम इसे जब मैरिनेट करें तो जो भी मसाला है वो चिकन के अंदर तक जाए और ये अंदर से बिल्कुल जूसी और टेस्टी बने। तो इस तरह से आप इसके ऊपर कट मार्क लगा लें। इसके बाद हम ले लेंगे 2 बड़ी चम्मच सफ़ेद सिरका और इसके ऊपर डाल देंगे। इसे अच्छे से रब करना है हमें, पूरे चिकन में आप अच्छे से रब कर दें इसे। पीछे की साइड भी लगा दें। इसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। और अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए हम बोल में डाल देंगे 4 बड़े चम्मच दही, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, 1.5 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काले मिर्च पाउडर। साथ में ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ऐड करेंगे रेड फूड कलर 1 चुटकी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ये जो चिकन है इसमें सारा ये मसाला लगा देंगे। तो आपको अच्छे से इसमें सारा मसाला लगाना है, हर तरफ, हर जगह पर, अंदर अंदर भी आप इसे अच्छे से लगा दें। और इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों तेल। सरसों तेल जो है वो मसाले के साथ ही ऐड करना था, मैं भूल गई थी ऐड करना, तो मैं अभी कर रही हूँ। आप इसे मसालों के साथ ही ऐड कर दीजिएगा। तो इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो इसे डालकर अच्छे से हम लगा देंगे सब जगह पर, और अंदर अंदर आप अच्छे से मसालों को लगा दें। तो इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 5 अंडे, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। तो सबसे पहले हम अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम पतीले में डाल देंगे 4 बड़े चम्मच ऑयल, यहाँ पर मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो अंडों को फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। तो ये देखिए अंडे जो है वो फ्राई हो गए, तो इन्हें हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 केजी चिकन, जिसे मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है, तो इसे हम डाल देंगे ऑयल में। और यहाँ पर मैं जो चिकन की ये ग्रेवी बना रही हूँ, ये 2 चिकन के लिए बना रही हूँ। और आपको 1 चिकन के हिसाब से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो गया है, तो इसे भी हम बाहर निकालेंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर से हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में, और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, इसे हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे 30 काजू और 50 बादाम के पीसेस, और इनसे भी हमें पीस लेना है। तो डाल देंगे इसे मिक्सिंग जार में, थोड़ा सा पानी डालकर इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट मैंने इसका भी बना लिया है, काजू और बादाम का, इसे भी हम साइड में रख देंगे। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। तो अब हमने जो अंडे को फ्राई किया था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे, आप 2-3 जितने भी डाल सकते हैं। और इसके बाद धागे की हेल्प से हम इसे बांध देंगे इसके लेग्स को इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद हम इसे रख देंगे बेकिंग ट्रे पर, और इसे मैं ओवन में आज पकाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे चूल्हे पर भी पका सकते हैं। तो 500 वाट पे हम इसे कुक करेंगे, और इसे बीच बीच में निकाल कर हम घुमाते रहेंगे ताकि
ये हर तरफ से अच्छे से पक जाए, तो इसे 10-10 मिनट पे आप निकाल के घुमाते रहें और चेक करते रहें। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, मैंने इसे निकाला है। इसे हम फिर से घुमा देंगे और फिर से डाल देंगे अंदर। ऐसे ही हमें इसे घुमा घुमा कर पकाना है जब तक ये पूरा पक नहीं जाता। इसके बाद सेम ऑयल में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप देसी घी। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का, आप भी ऑयल और घी को मिक्स करके इसे बनाएं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें 4 तेज़पत्ता, 6 लौंग, 6 छोटी इलायची, 10 से 12 काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची। इन सबको ऑयल में हम ऐड कर देंगे और इसे सौते करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, जिससे कि ऑयल में इनका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 7 चम्मच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 चिकन के लिए ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। आपको 1 चिकन के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसे हम कुक करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो रॉ फ्लेवर है वो चला जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे चलाते हुए अच्छे से भून लें। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले, 2.5 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2.5 छोटे चम्मच भुना जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और साथ ही में डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले जो हैं वो जले ना। और इसे भी हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है आपको इसे मसालों को। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरी, फिर से इसे मिक्स करेंगे और इसे फिर से हम भून लेंगे जब तक कि सारा जो ऑयल है वो मसाले में से अलग नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर भूनना है आपको। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन का पेस्ट, जो हमने ब्राउन अनियन का पेस्ट बना के रखा था उसे इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसे हम, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और दही डालते टाइम गैस का जो फ्लेम है वो लो पे रखें बिल्कुल, और इसे मिक्स करें जल्दी से। अच्छे से मिक्स कर ले आप इसे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर से हम इसे भूनेंगे। इस तरह से चलाते हुए आपको भूनना है लो फ्लेम पर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम का पेस्ट, जो हमने बना कर रखा था, और इसे मिक्स करेंगे। और फिर से हम इसे भून लेंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया इसे भूनते हुए, और इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स करके इसे 2 बर्तन में अलग अलग कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि मैं 2 चिकन बना रही हूँ, तो मैंने मसालों को भी हाफ हाफ कर दिया है। और अब हम इसमें रख देंगे चिकन को, और ये जो मसाले हैं हम इसके ऊपर डाल देंगे। और पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, आपको जितनी भी पतली या फिर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए। तो मसालों को इसके ऊपर डाल देंगे और फिर से हम इसे कवर करके पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इसे कवर करके हम पकाएंगे, उसके बाद इसे सर्व करेंगे 15 मिनट बाद। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुर्ग मसल्लम। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।